धमाका है और एक ही तो झलक ही आपको पागल कर देगी। कौन है सना, तुम तो यहीं पर हो। एक कंट्रोल में हो गया। नहीं, हमारे जो पिछले सीजन के विजेता हैं, हमारे छोटे पैकेट के बड़े धमाके फैजल, और जो आज आई है, आज जमा ही मेरी, आज जमा ही मेरी, आज जमा ही मेरी। अरे यार, आप लोग बच्चे लोग को नाइट क्लब में कैसे अलाउ कर सकते हो? चलिए, पूरी स्टार कास्ट आ गई ना अब? बिल्कुल, सब आ गए हैं, सब आ गए, सब हो गया। अरे वो कहाँ है जिनका आपसे चक्कर चल रहा है? जय भानुशाली। नहीं, हमारे तीन और कंटेस्टेंट्स हैं, तनीषा, जय और एक और कोई है, और टीना। ये देखिए, धन धनन जिस नाम भूल गई है कंटेस्टेंट, और टीना जो यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन आप उनको हमारे शो में डेफिनेटली देखेंगे। फिर क्या होगा? फिर बहुत मजा आएगा। फिर किसका क्यों था अगला? अच्छा, वैसे अर्जुन, आई थिंक फिर सिद्धार्थ को कुछ बोलना चाहिए। तो वैसे अर्जुन, तुमने सबके बारे में सब कुछ कह दिया, लेकिन तुमने अब तक राघव के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या क्या एकदम मुजफ्फरनगर आ गए इनने। इतने पर्सनल जोक्स मार रहे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, सोच रहे हम अर्जेंटीना नहीं गए, हम अंधेरी जाके वापस आए। तो अभी राघव की मैंने इतनी तारीफ नहीं की, तुम ही कर दो। वैसे तारीफ तो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन अब आप मुझसे कह रहे हैं, तो आप सब तो जानते हैं कि राघव एक बहुत ही अच्छे डांसर हैं, साथ में एक्टर हैं, और उसके साथ वो इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि राघव जब भी कोई स्टंट हो, जितना भी सीरियस हो, वो कभी वो सीरियसली नहीं करते थे, और अब तक वो एक बार भी शो पे सीरियस नहीं हुए। तो क्यों राघव? क्योंकि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में सीरियस होता हूँ। लोग जब बोलते हैं आई एम सीरियस गाइस, तो मैं हॉस्पिटल जाके देखता हूँ ना, तो होना ही है वो एक दिन लाइफ में, क्यों सीरियस होना है, आखिर में पढ़ा ही रहना है सीरियसली। राघव ऑनेस्टली तो हॉस्पिटल में भी सीरियस नहीं होगा। हाँ, बेस्ट। मैं सीरियसली एक बात कहना चाहूंगा इस बंदे के बारे में, एक्चुअली कुछ कह ही नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है। ये वो पहला इंसान है जिसने मेरी भी बोलती बंद करवाई थी, तो होस्ट पहली बार चुप बैठा है जब ये आदमी बात करता है और इतनी बकवास करता है। खैर, आपको अंदाजा तो लग गया होगा, यूरिया लगा के आया हूँ शक्ल पे, ये कोई चीज होती है बोलने की प्रमोशन पे? दाढ़ी उग गई है तो। हाँ, तो इतना बोला करो ना। फिर चलो, अब और किसकी तारीफ करनी है? मसाला, अब सना तुम्हारी तारीफ कौन करेगा? नहीं, कर लेती हूँ। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। तुम्हारे बात, तुम सच बात बताओ, बाकी कपड़े का तुम्हारे यार? स्टॉप इट। ओके ओके, ठीक है। माई, तुम कुछ कहना चाहोगी सना के बारे में? नहीं, मुक्ति बोलने वाली है। मुक्ति, तुम कहना चाहोगी? जिसको कहना कह दो, सना ने जिसको पैसे दिए बोल दो जल्दी से भाई। हेलो एवरीवन, आई जस्ट वांट टू से कि 1998 में शायद सबने कुछ कुछ होता है, ऑफ कोर्स पूरी इंडिया ने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने देखी है, बट फाइनली ये लड़की स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गई और उसके बाद खिलाड़ी भी बन गई। अवार्ड शो नहीं चल रहा, बस पिक्चरों के नाम लिए जा रहे हैं और अब उसकी उम्र हो गई है। लाइक टू गिव दिस माइक टू द होस्ट। तो ठीक है, पर उसने कपड़े चेंज नहीं किए, जो कपड़े वो तभी पहनती थी वही पहन के अभी अभी भी पहन रही है। सॉरी, आई थिंक मैंने मुक्ति को अच्छे से पे नहीं किया था। चलिए, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मिलने वाला है आपको। और ये रहा खतरों के खिलाड़ी। खिलाड़ी आओ, बम फटेगा और आप सबको चिल्लाना है, बस ये है आपका अगला स्टंट। लेकिन ओके, अब क्या करना था इसके बाद? अब वो हमसे कुछ पूछेंगे। इनियर नहीं है ना आज, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, फोटो नहीं, उसके पहले है कुछ काम वाम बचा है। आपने देख लिया कि हमने क्या ऊटपटांग हरकतें की। ब्रो, जस्ट टेक इट इजी। आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या क्या किया है। जब मैं ये शो साइन करने जा रहा था, तो मेरी मुलाकात चैनल के कुछ लोगों से हुई थी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरा हुआ था, मैं कन्फ्यूज था कि क्या रूट पकड़ना चाहिए एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज समबडी हु सो यंग इन द प्रोफेशन आई मीन। और ये शो इतने सालों से चला आ रहा है कि एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक सर्टन लेगेसी है इस शो की। सो देयर वाज सर्टन पीपल आई मेट फ्रॉम द चैनल एंड फ्रॉम एंडेमोल, एंड आई थिंक वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे, इट्स द करेक्ट प्लेस। शायद आप ये टेलीकास्ट करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इज द करेक्ट प्लेस टू से दैट वी हैड एन अमेजिंग टाइम, एंड आई थिंक वी रियली वर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ कलर्स एंड एंडेमोल।
And there's one person who I've had many creative discussions with. I would call them discussions in inverted commas. And she convinced me that they are very clear about how they imagine me. And I'm very, very grateful that they thought of me bigger and better than what even I had imagined. And they've given me an amazing platform to go out there and have fun and meet such wonderful people and do such a fantastic show. So I would like to call... Aap aaoge na upar? Aao. Creative discussion karne aaja upar. The representative from the channel today to have a creative discussion. Manisha, would you like to say something? Say something, na. Say something nice about Hello. You, na. Arjun is really good on the show. Thanks. He's all my team over there is lusting after him after they saw the first episode. Maine kapde nahi utare show mein. Fikar mat kijiye, wo sirf vivan ne kiya. Nahi, sirf mere upar lust kar rahe pure show wale, pure channel wale. But lust kya hota? Inhone pucha lust kya hota? Havas. Okay, but on that note, we're open. Y'all can throw all your questions at us. And let's go for it. Would you like to say something? You sure? Arjun needs dab. Arjun needs dab. Thank you.